अच्छा जी, सही है। तो यहाँ पे हम लोग की जो जो चैप्टर है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे, इन्होंने स्टार्ट करा है कुछ इस तरीके से कि टू मैन क्लेम ओनरशिप ऑफ अ हॉर्स, वन मैन वॉज रिच एंड अदर वॉज पुअर। मतलब क्या हुआ है कि भाई दो आदमी आए हैं, ठीक है, कैलिफ के पास। कैलिफ मतलब खुलफा है, और वो आदमी है जो समझ लें जैसे हमारे अदालत होती है, अदालतों में जज होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो वो होते हैं, जो जो भी जिनके केसेस होते हैं, जो विक्टम होता है और जिसका केस होता है, वो दोनों आते हैं और अपने अपने जो चीजें हैं वो आके बताते हैं कि भाई हमारा जो है ये केस है और मैं ये चाह रहा हूँ। दूसरा बोलता है नहीं यार, ये चीज गलत हुई है मेरे साथ, या मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो बेसिकली जज का काम क्या होता है, इंसाफ देना। एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे जो है वो यही चीज इन्होंने बताई है कि एक जो है वो केस आया है। केस क्या है, एक आदमी है जो कि एक अमीर आदमी है और एक जो है वो गरीब आदमी है, और एक ऑनरशिप का केस आया है, विच इज के टू मैन, दोनों आदमी जो है क्या क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्स जो है वो उनका है। अब चक्कर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये क्या आप लोग को दिखता भी रहे। सही, एक मिनट, स्पॉटलाइट कहाँ गई आपकी, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो मैं ये स्क्रीन पे देखो, अब थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो उम्मीद है अब दिखेगा सही से कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो कैलिफ हारून रशीद वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। यहाँ से अब उम्मीद है ज्यादा अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दो आदमियों ने क्लेम करा है, एक हॉर्स है एक घोड़ा है, उसका क्लेम करा है कि भाई एक अमीर आदमी बोल रहा है कि ये मेरा हॉर्स है और गरीब आदमी बोल रहा है कि ये मेरा हॉर्स है। अब चक्कर क्या हुआ, अब यहाँ पे पहचान नहीं पा रहा कोई भी कि किसका हॉर्स है या किसका जो है वो ऑनरशिप किसकी है। तो यहाँ पे जो है सब परेशान हुए, और ये बात जो है पहुंची है कैलिफ हारून रशीद तक। उसके बाद क्या हुआ, द कैलिफ ऑर्डर्ड बोथ द मैन टू टच द हॉर्स वन बाय वन। अब कैलिफ ने थोड़ा सा इसमें जो है सोचा और उसने ये तय पाया कि मैं किस इन लोगों से ही जो है वो इस चीज को थोड़ा सा वो करवाता हूँ, क्लियर करवाता हूँ कि किसका हॉर्स है। उन्होंने क्या बोला कि भाई हॉर्स ये सामने खड़ा हुआ है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने दोनों ने जाना है और इसको टच करना है वन बाय वन, सही है। अब क्या हुआ, व्हेन द बैगर टच द हॉर्स, जब गरीब आदमी जो बैगर था भिखारी था उसने टच करा जाके हॉर्स को, तो इट विंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक टचिंग ऑन द टच ऑफ द रिच मैन, इट नाइड विथ प्लेजर। मतलब ये कि जब बैगन ने टच करा तो उसको बहुत अजीब सा लगा, बहुत जो है उसने विंस्ट करा, विंस्ट मतलब हिनहनाना, जो हॉर्स जो होता है घोड़ा जो होता है वो हिनहनाता है, एग्जैक्टली लाइक दैट उसने ऐसे ही करा कि वो हिनहनाया और उसको ये ऐसा ऐसा अज्यूम करवाया, ऐसा प्रिटेंड करवाया जस्ट लाइक कि उसको जो है वो ये टच अच्छा नहीं लगा है। और ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब रिच पर्सन था उसने टच करा है हॉर्स को, तो क्या हुआ है वो उसने प्लेजर के साथ उसको जो है नीट करा है। नीट मतलब कि उसको जो है वो करा है, परमिशन दे दी है अपने आप को टच करने की। तो आपने देखा भी होगा जो पालतू जानवर होते हैं उनको तरीकेकार यही होता है कि आप जब उसको हाथ लगाते हो तो वो जो है कोई अननोन होता है, कोई दूसरा बंदा होता है जो उसको नहीं जानता होता, तो उससे थोड़ा सा वो होता है, मतलब उसको जो है गुर्राता है, या उस पर कहना चाहिए कि उसको जो है वो बेस करता है या फिर जो है ननाता है। लेकिन ऑन द कंट्रास्ट जब कोई बंदा उसको पालतू होता है, जब वो उसको जो है वो पाल पोस के उसने बड़ा करा होता है उस जानवर को, तो वो ऑटोमेटिकली उससे अटैच हो जाता है और उससे जो है बहुत जो है अपनाइयत के साथ पेश आ रहा होता है। एग्जैक्टली कुछ वहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो कैलिफ ने क्या डिक्लेयर करा फौरन, द कैलिफ डिक्लेयर्ड दिस जजमेंट दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू द रिच मैन, ही फॉरगेव द बैगर, द रिच मैन ऑल्सो फॉरगेव हिम एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइंस। सही है। तो इसमें बहुत इन्होंने शॉर्ट में समरी में बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ ताकि आप लोग को स्टोरी प्रॉपर समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ तक अभी समझ में आ गया है तो मुझे ओके कर दो ताकि फिर मैं एक दफा इसको पूरी को समरी कर दूं जो बुक में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमें क्या बताया गया है। और बेटा अपने नाम मेंशन करो ताकि आप लोग की यहाँ पे अटेंडेंस हो रही होती है पीछे, तो ये कि आप लोग नाम लिख के अपने लाजमी सेंड करो ताकि ये क्या अटेंडेंस भी आप लोग की प्रॉपर हो जाए।
तरीके से आप लोग देख लें, जो जो नहीं भी हैं अवेलेबल या जो जो हैं सबको एक दफ़ा जो है वो समरी मिल जाएगी, तो आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है। देखें, एक कैलिफ हारून रशीद है, कैलिफ मतलब खुलफा है, ठीक है। उन्होंने जो है वो, उनके पास एक केस आया है, एक बहुत फेमस और एक बहुत जस्टिस और एक बहुत विजडम वाले हैं। जस्टिस और विजडम से मुराद यहाँ पे ये कि बहुत इंसाफ पसंद और बहुत समझबूझ और बहुत अकलमंद, सही है। तो मतलब उनके पास जो है वो बड़े बड़े केसेस आते थे सॉल्व के लिए, उसी में से एक केस इन हमारी बुक में लिया गया है जो कि आज हम पढ़ेंगे, सही है। उसमें केस कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने जो है एक आदमी होता है जो सिटी में दाखिल हो रहा होता है, एक अमीर आदमी होता है, रिच पर्सन होता है, अपने हॉर्स पे जो है वो आ रहा होता है सिटी के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसको एक बैगर मिलता है जो बोलता है कि मुझे सिटी गेट तक जो आप छोड़ दो, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार, उसकी हालत देख के वो बोलता है कि नहीं यार, जाहिर है एक भिखारी है, एक बहुत जो है मजलूम सा आदमी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने क्या बोलता है कि उसको बोलता है आके मेरे साथ बैठ जाओ। वो जैसे ही उसके साथ बैठता है और सिटी गेट तक पहुंचते हैं, तो वो बोलता है कि भाई अब तुम उतर जाओ, अब तुम्हारी जो जगह थी वो आ चुकी है। तो बैगर जो होता है, जो वो भिखारी होता है, वो बिल्कुल मना कर देता है और बोलता है कि मैं जो है वो नहीं उतरूंगा क्योंकि ये घोड़ा मेरा है। तो इस तरीके से क्लेम करता है। तो इसमें दोनों की बहस हो जाती है और केस जो है वो छोटी अदालत तक जाता है। अब जो जो छोटी अदालत से मुराद ये कि विलेजेस या जो कस्बे होते हैं पुराने जमाने में, उधर एक पंचायत टाइप या छोटी सी अदालतें लगती हैं, वहां पे वो जाता है केस। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि दोनों क्लेम कर रहे हैं हॉर्स उनका है और कोई तरीका है नहीं पहचानने का। तो ये केस जाता है फिर कैलिफ के पास, खुलफा के पास, और ये एक बहुत अपने जमाने के फेमस और बहुत मशहूर जो है वो इंसाफ पसंद आदमी है। तो जब इनके पास जाता है, जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट होता है ना हमारा, उस तरीके की समझ लें आप लोग, कि इस तरीके से उनके पास जाता है। अब वो बोलते हैं कि यार किस तरीके से इसको जो है पहचाने कि जो घोड़ा है वो किसको बिलोंग कर रहा है। तो एक तरकीब लगाते हैं कैलिफ हारून रशीद, और वो तरकीब क्या होती है कि भाई वो बोलते हैं कि आप वन बाय वन इस हॉर्स को टच करोगे और जिसका हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली हॉर्स किसका है। तो क्या करते हैं कि एक हॉर्स के पास पहले जाते हैं, मतलब एक बंदा पहले जाता है हॉर्स के पास जो बैगर होता है, और जब वो टच करता है तो उसको एकदम हनहनाता है, गुस्सा करता है कि उसको ये पसंद नहीं आया उसका टच करना, उनका हाथ लगाना। तो फिर क्या होता है कि एग्जैक्टली लाइक के दूसरा बंदा जो रिच मैन होता है वो जब जाके टच करता है तो वो जो है उसको बहुत बहुत प्यार से और बहुत जो है अपनाइयत से उसको जो है वो अपने आप को हाथ लगाने देता है, टच करने देता है। तो इससे पहले हारून रशीद फौरन जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हॉर्स जो है वो किसका बिलोंग कर रहा है या फिर किसका जो हॉर्स है वो मौजूद है। अब उसके बाद वो जो है क्या करते हैं कि फौरन जो है ऑर्डर देते हैं कि ये बैगर जो है ये झूठ बोल रहा है और ये जो है सजा का हकदार है, और ये जो रिच मैन है इसको जो है वो बाइज़र तरीके से यहाँ से बरी कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो कैलिफ की एक फौरन अकलमंदी देख के बैगर एकदम जो है वो हक्का बक्का हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बैगर है, गरीब है, और वो किसी मजबूरी के थ्रू ही कर रहा है, गलत काम ही है जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि वो एक मजबूरी के थ्रू कर रहा है। तो जो रिच मैन होता है उसको वो देख के बड़ा उस पर जो है तरस आता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे इंसाफ मिल चुका है तो मुझे अब इसको किसी भी किस्म से सजा नहीं दिलवानी है। उस बल्कि इनफैक्ट वो करता क्या है कि इसको माफ भी कर देता है और साथ में एक हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स दे देता है। हैंडफुल मतलब एक जो बोरी होती है छोटी सी जो एक कहते हैं कि लाइक बोरी टाइप जो होती है वो उसको दे देता है कि भाई ये एक थैली है कॉइन्स की, ये तुम रखो और ये तुम्हारा जो है समझ लो कि तुम्हारी एक मदद के थ्रू मैं दे रहा हूँ, ताकि ये कि तुम अपनी जो आने वाली जिंदगी है थोड़ी सी अच्छी गुजार सको। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि जितना भी बंदा जितने अच्छे तरीके से भी झूठ बोले वो हमेशा झूठ ही कहलाएगा, और वो कभी भी उसको अच्छे तरीके से जो है वो सच की फॉर्म में हम उसको नहीं लेके जा सकते। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि झूठ झूठ ही होता है, झूठ की कभी जीत नहीं हो सकती। वक्ती तौर पर हो सकता है उसको शायद जीत मिल जाए, लेकिन इन दी एंड इवेंचुअली झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है। तो एग्जैक्टली हमें कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे देखने को मिली है। तो कैलिफ ने जो है वो इस तरीके से इंसाफ करके जो रिच मैन को इंसाफ भी दिलाया और साथ में बैगर्स को जो है वो एक तरीके से उसको भी जो है वो फायदा ही हुआ उस चीज का, के जो है वो गोल्ड कॉइन्स मिल गए उसको और उसकी एक मदद हो गई। तो जो है वो एक कहानी है, एक अच्छी हमें एक जो है वो इससे सीखने को मिलती है, एक सीख मिलती है। तो ये चीज जो है वो ये चैप्टर में हमें बताई गई है, सही है। तो उम्मीद है मुझे ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये समरी है हमारी, ठीक है। लाजमी आपने कॉपी करना है ताकि ये कि आपको जो है वो आप ही कॉपी करके मुझे लाजमी व्हाट्सएप करें, चेक कराएं, ताकि ये कि हम लोग आगे जो सवाल जवाब अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें फिर हम इसी से रिलेट करेंगे। और फिर इंशाल्लाह आप लोग के अभी आगे टेस्टेस पे भी काम हो रहा है तो टेस्टेस भी डिजाइन किए जाएंगे। तो अब आपके दो चैप्टर्स हो चुके हैं, दी वॉइस ऑफ गॉड एंड दी कैलिफ हारून रशीद। तो इन दोनों चैप्टर्स के अब हम लोग जो है टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये अच्छे तरीके से हमें ये समरी जो ये कराई गई है सामने आप लोग को दिख रही है, ये याद होनी चाहिए, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ओके।